लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंटर इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, और ये सारे लाई इन द सेम प्लेन। मीनिंग समझना इसका, एक तो इंसिडेंट रे जो आ रही थी हमने देखा, एक रिफ्लेक्टेड जो मुड़ के चली गई, और तीसरा नॉर्मल। नॉर्मल के लिए लिखा हुआ, नॉर्मल कहां पे? इंटरफेस, जहां से दो सरफेस अलग होते हैं। जैसे नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, ये नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, तो ये जो सरफेस है, ये जिससे ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, इसी सरफेस को, इस लाइन को ही कहते हैं हम इंटरफेस। और जो ये इंसिडेंट लाइन आके जहां टकराती है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तो हमें पता ही है। तो कहता है इंटरफेस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों, एक दो दूसरा ये है और तीसरी ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पर होते हैं। सेम प्लेन यानी सरफेस, प्लेन मतलब सरफेस, एक ही सरफेस पे होते हैं। सेकंड लॉ आपका, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कॉन्स्टेंट, इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका मीनिंग समझते हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर। अब ये साइन आई और साइन आर का क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्री मैथ में एक चैप्टर आएगा, उसमें ये साइन यूज होता है। साइन का जनरल मतलब होता है, साइन थीटा का मतलब है अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो साइड्स हैं उन साइड्स के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। अभी इतना याद रखो। तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है? ये जो रे है, इसे आप, ये आई था और ये आर था, इसे आप झुकाते रहो, आई को चेंज करते रहो, तो आर भी चेंज होगा, और हर केस में साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट फिक्स होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप एक फिक्स लाइट को चेंज ना करो, लाइट का कलर चेंज ना करो और मीडियम भी चेंज ना करो। जैसे एयर और वाटर ले रहे हो तो इसी में ये कॉन्स्टेंट रहेगा, वाटर की जगह ग्लास ले लिया तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर एयर और ग्लास का कुछ और होगा, ठीक है? तो ये जो कॉन्स्टेंट है, इसी लॉ को, ये जो सेकेंड लॉ है, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, this law is also called Snell's law. तो बहुत important है, पूछेंगे what is Snell's law, तो second वाला law आपको समझा देना है। अच्छा, ये जो constant value आई थी, ये वाली, इस constant value को कहते हैं, this constant value is called the refractive index,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम। तो ये था कि व्हाट इज रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने शुरू में डेफिनेशन में यूज किया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, किसका, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसे इस तरह के साइन से इंडिकेट, रिफ्रैक्टिव सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसके और भी फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखते हैं इसे, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, अगर इसे रिवर्स करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। और नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे, नीचे वाले को पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। शॉर्ट में इसे देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन वन अपॉन वेलोसिटी इन टू, और रिफ्रैक्टिव वन विद टू वेलोसिटी इन टू अपॉन वेलोसिटी इन वन। ये आपके फॉर्मूले हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ मीडियम वन इज एयर और वैक्यूम, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन जो हम बार बार ले रहे हैं वो एयर या वैक्यूम हो, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। बस यहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, पहले लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अब विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट अगर एयर और वैक्यूम है तो बात यहीं छोड़ देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। सेम वही ऊपर वाला ही फार्मूला है, बस फर्स्ट मीडियम की जगह एयर या वैक्यूम आ गया, सेकेंड सेम ऐसे ही है, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे।
सिर्फ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है।